Nani Ma will tell you a story. Pranam, adhyapika ji aur mere pyare bachcho, is saal hum sabhi bharat par 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आजादी के बाद मैं उन्हें जो मैंने देखा या आपने पापा मम्मी से सुना वो आप नहीं जानते। 75 सालों में वो जमाना बदल गया है, तो आज मैं आप सभी को आजादी की जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है कि आप सब बहुत कुछ सीखेंगे। देश की आज़ादी में न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया, लेकिन इस जंग के कुछ नाम हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्हीं में से एक नाम है श्रीमती जी का जी रुस्तम कामा। मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी परिवार में जन्मी भारत की आज़ादी से जुड़ी पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। 1907 में विदेश में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा फहराकर मैडम कामा ने अंग्रेजों से कड़ी नफरत की थी। बच्चों, उस समय तिरंगा ऐसा नहीं था जैसा आज है। उन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया और आज़ादी के 4 दशक पहले ही नाम अपना इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का आह्वान भी किया आवाज उठाई और लोगों से भारत को मुक्ति दिलाने में बहुत की अपील की और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए हैं। भारत में ब्रिटिश शासन जारी रखना मानवता के लिए आशा है कि आप सभी बच्चे मैडम कामा के जीवन से देश के लिए प्यार, समर्पण और सच्चाई के रास्ते पर चलना सीखेंगे। आप सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। पढ़ो और नाम रोशन करो। थैंक यू, धन्यवाद।